रॉकी हुआ पवित्रा से नाराज, शिखा ने किया रानी को आजाद। वेल, हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर टीवी सीरियल पिशाचिनी की। आज के एपिसोड में हमने देखा कि पवित्रा और रॉकी घर में वापस आ जाते हैं। वहीं पवित्रा अपनी मासी से घर वालों को मिलाती है। रानी शिखा को छिड़ाने की बात कहती है। वहीं रानी शिखा से खुद को आजाद करने को भी कहती हुई दिखाई देती है। रॉकी झूठ बोलने की वजह से पवित्रा से नाराज हो जाता है। पवित्रा रॉकी को मनाने की कोशिश करती है। वहीं रॉकी पवित्रा से बात करते हुए इमोशनल हो जाती है। रानी शिखा को अपने पास बुला रही होती है। ट्रैक में आगे हमने देखा कि पेड़ शिखा को अपनी तरफ खींच लेता है और रानी पेड़ के बंधन से आजाद हो जाती है। रानी शिखा को भी पेड़ से आजाद कराती है। वहीं रानी अपने आजादी का जश्न मना रही होती है। रानी से शिखा अपना वादा पूरा करने की बात कहती है। रॉकी पवित्रा से नो सीक्रेट का प्रॉमिस भी लेता है। वहीं शिखा रानी से पवित्रा की डेड बॉडी की डिमांड करती है। शिखा वीर की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। शिखा पवित्रा से बदला लेने की बात भी रानी से कहती है। वहीं रॉकी और पवित्रा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रॉकी और पवित्रा रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं। वहीं विद्या आकर दोनों को डिस्टर्ब करती है। रॉकी कैंडल्स के बारे में झूठ भी बोल देता है। विद्या नाशक के मुँह से भूत प्रेत की कहानी सुनने की बात करती है। वहीं रॉकी कहानी को सुनकर बोर हो रहा होता है। रॉकी सोने की बात भी करता है, लेकिन विद्या रात भर जगने की बात कह देती है। रॉकी पवित्रा को बार बार छेड़ रहा होता है। वहीं पवित्रा और रॉकी कहानी के बीच में ही चले जाते हैं। रॉकी के मम्मी पापा को विद्या भला दिखाती है, जिसके बाद विद्या सोने की बात भी करती है। वहीं रानी घर वालों से अपने आप की सच्चाई साबित करने का एक मौका मांगती है। वेल, अपकमिंग ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा, क्या पवित्रा की फैमिली एक्सेप्ट करेगी रानी को और रानी आखिरकार कैसे लेगी पवित्रा से बदला। आपका अपकमिंग ट्रैक के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। टीवी शोज़ की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।